ग्रामीण इलाकों में घूमने के बाद ये बात समझ आई कि यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा खाद न मिलने का है, साथ ही साथ आवारा पशुओं का भी मुद्दा यहाँ पर बहुत बड़ा दिखाई देता है। तो मेरे साथ आपने ग्रामीण क्षेत्र के मुद्दे समझे, झांसी की 3 विधानसभा सीटें जो कि ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में आती है, ग्रामीण क्षेत्र के मुद्दे समझने के बाद चलिए मेरे साथ अब शहरी इलाके में चलेंगे और जानेंगे कि शहरी इलाकों के आखिर मुद्दे इस बार के लिए क्या हैं और शहरी इलाके का मूड क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो झांसी में हम हैं और झांसी में यूपी का मूड समझने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र का मूड आपने मेरे साथ देखा और ग्रामीण क्षेत्र से निकलकर अब हम शहरी क्षेत्र में आ चुके हैं। यूपी का मूड यहां पर क्या है शहर में, ये जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मेरे साथ। मेरे हिसाब से तो मैं भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता हूँ और करता था और करता रहूँगा, क्योंकि कुछ पार्टियाँ ऐसी आएंगी जिनमें लोगों के साथ दबंगों ने बहुत अत्याचार किया लेकिन फिर भी मुँह खोलने की हिम्मत नहीं थी। सालों में काम कैसा हुआ है? बहुत बढ़िया हुआ, मेरी तो यही आएगी। और इसने काम भी ऐसे किए हैं, अभी गरीबों को सागों से जो फ्री अन्न वगैरह, उज्ज्वला योजना का गैस सिलेंडर देना, मकान बनाना। पहली बार हमने डोकलाम में देखा कि उनको मुंह की खानी पड़ी। हमारा लीडर मजबूत होगा तो हमारी सैनिक में क्षमता आती है, वो लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, अपनी जान देने के लिए तैयार रहते हैं। कोई भारत की 1 इंच भूमि आजकल नहीं ले सकता बीजेपी। परिवर्तन एक आदमी से थोड़ी होता है, वो तो सबको देखना पड़ेगा। जिसका बहुमत परिवर्तन में होगा वो करेगा परिवर्तन। फिर इस बार का मूड क्या है? इसका मूड तो ये है कि साफ सरकार चल रही है तो चलना। तो अभी तक महंगाई के अलावा दिया क्या है बीजेपी वालों ने? केवल राशन फ्री दे रहे हैं और इसके अलावा क्या दे रहे हैं? अखिलेश जी ने वादा किया है कि 300 यूनिट फ्री देंगे, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। हमारे हिसाब से तो सपा का वो आएगी सरकार। अच्छा, सपा की सरकार आनी चाहिए, लेकिन क्यों? इन्हें महंगाई बहुत कर दी है इसने, टैक्स वगैरह है और क्या नाम है इसका, महंगाई तो बहुत है ही और इसी का है। कारोबारियों को क्या क्या दिक्कत हुई है वो बताइए, क्योंकि आपके लिहाज से क्या बड़े मुद्दे हैं? इस पर टैक्स ज़्यादा बढ़ा दिया है इन्होंने, टैक्स बढ़ा दिया और पहले से नहीं रेट बहुत ऊपर कर दिए हैं, क्योंकि हर चीज़ पे नहीं, कम 20% रेट बढ़ा हुआ है हर चीज़ पे। कोई भी चीज़ उठा के देख लिया, पेट्रोल भी देखिए आप कितना महंगा कर रहे हो, पहले बढ़ा दिया फिर धीरे से कम कर दिया, आदमी वहीं वहीं कर दिया। जो रेट 2022 में बदलाव बिल्कुल चाहिए। काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं योगी जी, लेकिन थोड़ा सा क्या है महंगाई का, जैसे बोला ये बात सही है कि आसपास जो हो सकता है कोरोना की वजह से भी हो, महंगाई बढ़ी है चारों तरफ, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल नहीं है भ्रष्टाचार पे। पूरी छाती की रोडें देख लीजिए आप, हमारी दुकान पे कितनी गुंडागर्दी होती है, लोग आते थे साहब बंदूकधारी जे लंबे लंबे हथला लेके, साहब जी होगा वो आपको ही नहीं आ रहे।